हेलो एवरीवन, तो मिली जुली किचन में आप लोग का स्वागत है। तो ये है मुरमुरे का लाई। तो कैसे बनाते हैं आइए आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे लेना है मुरमुरे यानी फरही, इसे फरही भी बोलते हैं, भुंजा भी बोलते हैं, किसी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो लाई बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में लेना है 2 चम्मच घी, और यहाँ पे मुरमुरे जो है उसको, भुंजा बोलिए ये मुरमुरे, उसको थोड़ी सी रोस्ट कर देनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी रोस्ट कीजिएगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी रहेगी। और यहाँ पे देखिए मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ी सी रोस्ट करना है। मैं यहाँ पे 500 ग्राम मुरमुरे की लाई बना रही हूँ। 500 ग्राम मुरमुरे है, इसमें 1 केजी के लगभग गुड़ लगेगी। तो इसे देखिए मेरा मुरमुरे फ्राई हो गई है, इसमें मैं थोड़ी सी फिर से डाल दी हूँ घी, और इसमें मैं डाली हूँ मीठा गुड़, और इसे पानी नहीं डालना है, इसे ही पघिलाना है। तो यहाँ पे बहुत ही आप लोग गर्मी के मौसम में बना के रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे ट्राई आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर मसाला डालना चाहते हैं तो इसमें मसाला भी डालें। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पाग एक तरह का बन गया है, और इसमें डाल दीजिए मुरमुरे, और मुरमुरे डाल के इसे आप मिक्स कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा पाग रेडी हो गई थी। तो पाग चेक करने के लिए यहाँ पे चिपचिप आपको दिखाए ही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके यहाँ पे देख सकते हैं, और इसे बनाना है और स्टोर करके आप लोग रख सकते हैं 1-2 महीने के लिए। बच्चे लोग भी बहुत पसंद करेंगे और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग स्टोर करके ज़रूर रखिए। और गर्मी के मौसम में जब भी प्यास लगे तो ये खाकर पीजिए, सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आप लोग ये, आपको न गुड़ हर्जा करेगा न मुरमुरे, तो स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर बनाकर रखिएगा, और मेरे तरफ से मैं बोल रही हूँ बना के रखिए और खाइए और गर्मी का मज़े उठाइए। तो देखिए ये जो मुरमुरे है, तो इसे हल्के हल्के पानी लगा के इस तरह से इसे बांधना है। तो देख सकते हैं गाइज, आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, थोड़ी सी ये और इसमें लगेगी, मैं बताती हूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से दबा दबा के इसे गोल करना है, नहीं दब रही है इसीलिए। यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स नहीं हुई थी, तो मैं फिर से मिक्स की हूँ, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं मिक्स फिर से कर दी हूँ, और बहुत टेस्टी टेस्टी ये लाई बन के रेडी है। मार्केट में लीजिएगा तो इतना में पैसा ज़्यादा लग जाती है, और घर पर बनाइएगा तो कम पैसे में आपको लागत में बहुत सारा लाई बन के रेडी होती है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी सपोर्ट हो जाएगी और आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी। तो लाइक के रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना।